कोई विकास नहीं हुआ। आदर्श गांव बनने के बाद हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। जहाँ के जहाँ रह गया है, देखिए नाली कैसे है, खनिजा कैसे है, रास्ते कैसे हैं, सब के सब कचरे से भरे हैं। कांग्रेस पार्टी मौजूदा केंद्र सरकार से अच्छे दिनों के सवाल करती है, लेकिन पार्टी में आला स्तर के नेता अपने संसदीय क्षेत्र में आदर्श ग्राम योजना की बदहाली पर खामोश हो जाते हैं। जी हां, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर, सांसद सोनिया गांधी के गोद लिए गांव उड़वा और राहुल गांधी के गोद लिए गांव की हकीकत दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जयापुर में विकास की जो बयार बही वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे गांव का कायाकल्प हो चुका है। पहले आदर्श गांव जब नहीं था तो हम लोग बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, हम लोगों को बहुत समस्या होती थी। जब से आदर्श गांव हुआ है, प्रधानमंत्री जी का गांव हुआ है, तब से ये भवन बना है तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं। सोलर प्लांट लगा है, पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छा फायदा हुआ है। 12 घंटे बिजली रहती है, 12 घंटे भी लड़के अपने जाए जब बच्चे अपना उठ कर पढ़ सकते हैं, रात में या दिन में, भोर में चाहे जब पढ़ सकते हैं। बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया और पानी की सुविधा के लिए हो गया, जल निगम, ऐसे बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पे। कभी आंधी आ जाता था तो हम लोग सोते नहीं थे, डर के मारे बैठते थे कि कभी ऐसा ना हो कि गिर जाए, तो हम लोग इसमें हमारे बच्चे भी थे, डर लगता था बहुत। अब हमको आवास मिल गया है, हम लोग बहुत ही खुश हैं। आदर्श ग्राम जयापुर की सच्चाई तो आपने देखी, आइए अब जरा नजर डालते हैं रायबरेली संसदीय क्षेत्र से सांसद सोनिया गांधी के गोद लिए गांव उड़वा पर। गांव की बदहाली का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। न रास्ते बने हैं, न पानी का निकास है, मूलभूत जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है। विकास के नाम पर है तो सिर्फ एक बोर्ड जिसकी रंगत सारी कहानी बयां कर रही है। विकास का उनके सारी सारा मोर गड़ गया गांव, उनकी आशी आशा में पूरा गांव बिगड़ गया, नाश हो गया। कुछ नहीं भैया, ये ढेले का कोई काम नहीं हुआ, नाली खरिंजा देखो सब बच बजा रहे, ऊपर से बह रहा रास्ते के ऊपर, खड़े जाओ 5 मिनट जरा आप तो देखो भी कैसा रंगा, बगैर पैसे का पाउडर मिलेगा। यहाँ प्रियंका एक बार आए इलेक्शन के पहले, दबाए नहीं तो नहीं आओ को प्रयास की ना, मतलब हम जाए तो हम डंडा लेके खदेड़ दे। भैया क्या करिए, इतने बड़े नेता हैं तो उनके आगे उनके लगे तक पहुँच नहीं सके, तो हम जाए के पहले कहें चलो चलो बाहर, तो क्या करी हम जाए के। दोस्ती सोनिया जी को मान लें, ये गोद लेने के बाद एक भी बार यहाँ नजर नहीं आई, सोचा था कि आगे बढ़ेंगे, विकास होगा गांव का, आगे भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए अब बात करते हैं अमेठी की, वही अमेठी जिसने अपना भरोसा गांधी परिवार पर रखा। लेकिन बात अगर विकास की करें तो यहाँ भी जनता के साथ धोखा हुआ। अमेठी संसदीय क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी ने जगदीशपुर गांव को गोद लिया, लेकिन गोद लेने के बाद भूल गए कि गांव वालों का ख्याल भी रखना है। गांव का सर्वे किया था, उसमें यह था कि हर गांव की जो गली है वो पक्की बन जाएगी, गांव में नाली बन जाएगी, इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो जाएगी, अस्पताल की व्यवस्था हो जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं हुई। न गांव को देखे आए, न गांव के कोनो काम के हैं, कहें बहुत सारा दे के गए, सहारा किया कर दे वो कर दे, खेल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, तो क्या कह दिए, कुछ नहीं कहे। सच्चाई से आप वाकिफ हो गए होंगे, दोनों सांसदों में इच्छा शक्ति होती तो उड़वा और जगदीशपुर आज जयापुर जैसे नजर आते।